मेहनत का फल हम सभी को उचित समय और मेहनत के अनुसार मिल जाए तो क्या कहने। इसी के साथ साथ अगर मेहनत कम की लेकिन लाभ हमें बहुत अच्छे स्तर का हो जाए तो हमारे खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं उन 5 पॉइंट्स पर जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में मेहनत का फल तो पाते ही हैं, साथ ही साथ आपको अपने परिवार, अपने जीवन साथी, अपने बिजनेस पार्टनर और अपने बड़े बुजुर्गों का सुख भी बहुत अच्छे से प्राप्त होता है। तो ध्यान से आप मेरी वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि कोई भी काम की वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। अब हम बात कर लेते हैं उन 5 पॉइंट्स में से सबसे पहले पॉइंट्स की। जन्म कुंडली का ये जो दूसरा भाव है ना, इसको धन और परिवार तक ही नहीं रखा जाता, ये आपकी वाणी का भी होता है। और आप किस प्रकार की वाणी का प्रयोग करके आप पैसा कमाने वाले हैं ये इसका भी कहा जाता है। आपको किस प्रकार की बातों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपके पास पैसा आता रहे और आपको परिवार का सुख भी बहुत अच्छे स्तर का मिलता रहे। ध्यान रखिएगा, आपने जन्माष्टमी का जब समय आता है तो आपके पास भी शायद एक ऐसा GIF आया होगा जो आपको मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ। देखिए, इसमें भगवान कृष्ण के मुंह में अनंत ब्रह्मांड दिखाई दिया माता यशोदा जी को। इनका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि आप चाहे कुछ भी खाएं, लेकिन यदि आप अच्छी वाणी का इस्तेमाल करते हैं, आप सबको प्रभावित करके रखते हैं, तो अनंत ब्रह्मांड को भी आप अपना मित्र बना सकते हैं, वो भी आपका ही अपना ही है। और अनंत ब्रह्मांड हमारी बात करने के तरीके से ही अट्रैक्ट होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जन्म कुंडली का दूसरा भाव और आपके घर की वास्तु के हिसाब से ये जो मैंने मैप लगाया है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपके धन और बैंक का भी होता है। तो आप इस बात से ही अंदाजा लगा लीजिए कि यदि आपको धन का सुख बढ़ाना हो, आपको अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना हो, आपको अपने परिवार का सुख बढ़ाना हो, तो आपको घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो ये नक्शे में इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, जो आपके घर में जहाँ भी आता हो उसको संतुलित रखिए। संतुलित कैसे रखा जाए, कैसे इसके उपाय किए जाएँ, ये आपकी जन्म कुंडली का कस्टम रेमेडीज होती है। इसीलिए आप अपॉइंटमेंट ले करके आप अपने उपाय करिए जिससे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल सकें। और साथ ही साथ आपको अपनी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र को भी मजबूत रखना होता है यदि इस भाव का अच्छा सुख पाना है। अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट्स की। जन्म कुंडली का ये जो चौथा भाव है, इससे पता चलता है कि आप किस तरह की नॉलेज अपने काम के बारे में रखते हैं, किस तरह की बेसिक नीड आपके अंदर है और आप उसे किस तरह से प्रेजेंटेबल करते हैं औरों के सामने, क्योंकि तीसरा भाव भी प्रेजेंटेबल का हो जाता है। तो इसी से निर्धारित हो जाता है आपकी जन्म कुंडली का तीसरा भाव और आपकी जन्म कुंडली का चौथा भाव। इसीलिए मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि अपने माँ, नानी, दादी, घर की बुजुर्ग औरतों और जो भी आपके घर के आसपास रहने वाली महिलाएं हैं, उनका आप माँ तुल्य सम्मान करिए, क्योंकि जन्म कुंडली के तीसरे भाव के मालिक बुध होते हैं और चौथे भाव के मालिक चंद्रमा होते हैं। यदि आपको बेसिक नॉलेज भी अपने काम की बहुत ज़बरदस्त है और प्रेजेंटेबल बहुत अच्छे से हैं, तो आपको बिजनेस में, नौकरी में, कामकाज में कोई फेल नहीं कर सकता। ये कन्फर्म नियम है प्रकृति का। इसीलिए आप अपनी जन्म कुंडली के चौथे भाव को, घर की नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को, नक्शे में देखिए मैंने दिखा दी है, इसको भी आप संतुलित रखिए। संतुलित का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पर कबाड़ ना हो, आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार के खराब बिजली के सामान यहाँ ना पड़े हुए हों, स्टोर रूम ना हो। और जन्म कुंडली के अंदर यदि चंद्र राहु, चंद्र केतु, चंद्र शनि की युति है,
तो हर चंद्र ग्रहण पर अपने उपाय समय समय पर जरूर करते रहिए। वो उपाय कौन से होते हैं वो मैं यहाँ आई बटन पर वीडियो लगा दे रहा हूँ, आपको देख लेनी चाहिए। अब हम पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, जो आपके मेहनत के फल को कई गुणा बढ़ाने में आपका योगदान करती है। जन्म कुंडली का छठा भाव, आप अपनी सर्विसेज किस प्रकार से डिलीवर करते हैं, किन लोगों को करते हैं और कैसे करेंगे, ये निर्धारित हो जाता है। यदि आप कन्या पूजन करते रहते हैं, घर के अंदर आप अखबार इकट्ठा नहीं होने देते, पुरानी बेकार किताबें इकट्ठा नहीं होने देते, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ईयरफोन, हेडफोन्स, मोबाइल फोन्स, खराब टीवी, खराब म्यूजिक सिस्टम्स अगर आप अपने घर में इकट्ठा नहीं होने देते, तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध मजबूत होते हैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर अपने काम को के अच्छे से प्रेजेंट करके आप उसका फायदा ले लेते हैं। फिर से मैंने प्रेजेंट की बात क्यों करी, क्योंकि तीसरे और छठे भाव के मालिक तो बुध ही हुए ना। अब हम सातवें भाव यानी कि अब बात कर लेता हूँ मेन, कि आपके कस्टमर किस तरह के होंगे, आपके कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या करते हैं। आप फिर कस्टमर भी आ जाता है, फिर बिजनेस पार्टनर भी आ जाता है, फिर लाइफ पार्टनर भी आ जाता है। मैंने अपनी जो वीडियो मंगल सातवें और आठवें भाव के हिसाब से जो बनाई है, यहाँ मैं आई बटन पर उसे लगा दे रहा हूँ, आप उसे ज़रूर देखिए। ये डिटेल्ड वीडियो है, यहाँ पर सातवें और आठवें भाव को समझने के हिसाब से बताया गया है। तो जन्म कुंडली का जो सातवां भाव होता है, उसका भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर मजबूत होना बेहद आवश्यक है, जहाँ से आपको अपने क्लाइंट्स को, अपने पार्टनर को, अपने बिजनेस पार्टनर को या अपने बॉस को समझने का आपको बेहद करीबी से मौका मिल जाता है। तो बात फिर से शुक्र पर ही आके अटक जाती है। तो आपकी जन्म कुंडली में यदि शुक्र देव कमजोर हैं या इस भाव पर किसी ग्रह की अशुभ दृष्टि पड़ी है, तो आपके क्लाइंट्स, आपके पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपका विरोध होता रहता है। इसको ठीक कैसे करें, घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन इस प्रकार से आप चेक कर लीजिए। वहाँ पर टॉयलेट ना हो, बाथरूम ना हो, वहाँ पर गंदगी ना हो, स्टोर ना हो, और आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से वहाँ पर जैसे ही कोई सकारात्मकता आ जाती है तो आप इन सब से खुश हो जाते हैं और यही आपकी गृहस्थी के सुख को भी मजबूत बनाता है ये उपाय। अब हम आखिरी भाव की बात कर लेते हैं लाभ की। जन्म कुंडली का ये 11वां भाव पश्चिम दिशा, आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन महसूस करते हैं, आपके ऊपर काम की जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन लाभ आपको उस हिसाब से मिलता ही नहीं जिस हिसाब से आपने मेहनत करी है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर इस प्रकार का पीतल का ऊंट, ब्रास का ऊंट ले आइएगा, ये आप अपने घर की पश्चिम दिशा के अंदर आप रख दीजिएगा जमीन पर, और इसका जो फेस होगा वो घर के सेंटर की तरफ होना चाहिए, जो घर का केंद्र हो। तो इससे क्या होगा, आपकी जन्म कुंडली का जो 11वां भाव होगा वो अपबिल्ड हो जाएगा, उसको ऊपर की ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी और जो जो आपका लाभ दबाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। ध्यान रखिएगा, मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं जो आपकी कुंडली के अंदर इम्पोर्टेंट हैं। इन 5 भावों को यदि आप मजबूत कर लेते हैं तो आपको अपने काम की प्राप्ति और अपने लाभ की प्राप्ति और मेहनत की एवज में जो फल की प्राप्ति है वो अच्छी होने लग जाती है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, किस समस्या के समाधान पर आप वीडियो चाहते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपॉइंटमेंट लेकर के मिलना है आपको, बहुत अच्छी सटीक इफेक्टिव रेमेडी चाहिए और जल्दी से रिजल्ट देने वाली रेमेडी चाहिए, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आपको 100% सच बातें बताने की अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, हमेशा अपनी स्टडी में भी इसीलिए लगा रहता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी इफेक्टिव रेमेडीज आपको देता हूँ। मेरे अपने 18-20 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने गेन किया है और लोगों को जो मैं रिजल्ट्स देता आया हूँ, उसी पर ही आधारित आपको भी उपाय और रिजल्ट्स देने के लिए
कमिटेड हूँ। तो जल्दी से आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए आप मुझे कॉल कर लीजिए। इसी के साथ जय माता दी।